राज्य में रहने वाले हर एक जिम्मेवार व्यक्ति का लॉ एंड ऑर्डर मसला होता है, चाहे वो विपक्ष के सदस्य हो चाहे वो सत्ता पक्ष के सदस्य हो। मेरा मानना है कि जिस हिसाब से कमल भूषण के रिलेटेड जो हत्या हो रही है, उनके करीबी लोग की हत्या हो रही है, निश्चित तौर पर एक पर्टिकुलरली लॉ एंड ऑर्डर का विषय को लेकर प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के लिए CM साहब ने बैठक भी किया है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर DGP साहब और सभी लोगों ने प्रोजेक्ट भवन के बाद उसके ऊपर कार्रवाई भी की है। एक दिन में करीबन 80 लाख रुपए पकड़ाए गए। उसके बाद जो तमाम गैंग्स थे उनके गुर्खे पकड़ाए गए, रेड्स चला है, एनुमिनेशन बरामद हुआ है, मैं समझता हूँ। लेकिन जो ये जो केस हुआ है रांची में जो हुआ है, उसमें मैं समझता हूँ कि सरकार को हाई लेवल जांच कराना चाहिए। इसको CID को या फिर उससे भी ऊपर अगर ज़रूरत पड़े CBI को, तो सरकार को इसको भेजना चाहिए, क्योंकि कमल भूषण से रिलेटेड अब तीसरा हत्या बोला जा रहा है कि ये हुआ है। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है ये सरकार का अहम विषय है। इसमें BJP हमें सलाह दे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। CM साहब गंभीर है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई।